सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से आ रही। मथुरा के जिला अस्पताल में शासन के आदेश पर कोरोना वैक्सीन का पहला चरण शुरू। पूरी तैयारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वॉरियर्स को लगाए टीके। पहले चरण का ट्रायल शुरू हुआ है। कोविड नोडल अधिकारी भूदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, जनपद में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें कुल 6 कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें 3 शहरी क्षेत्रों में एवं 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मथुरा के जिला अस्पताल में सभी को कोरोना का यह टीके लगाए जाएंगे। आज ट्रायल के तौर पर 25 लोगों को टीके लगाए जाएंगे और टीके लगने के बाद सभी को आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। सारी तैयारियों के साथ मथुरा के जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल शुरू हो चुका है। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद मथुरा में हमारे ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है और ये ड्राई रन हमारे जनपद मथुरा में 6 जगह लगाया जा रहा है। 3 शहरी क्षेत्र में, 3 ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा रहा है और इसमें से एक जो जिला अस्पताल है, जो कि यहाँ ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो वैक्सीन की यहाँ 2 साइटें हैं और पर सेशन साइट पर 25 लोगों को रखा गया है। अगर हम बात करें तो कुल कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? फर्स्ट फेज में जो आज हमारा ड्राई रन है ना, तो हमारे जो एक सेशन साइट पर 25 लोग हैं, तो जो एक सेशन साइट है वहाँ पर 2 हमारे बूथ लगे हैं, तो वहाँ एक पर 25 है, तो 50 लोगों का हमने रखा है। क्योंकि आज ड्राई रन है इसलिए ट्रायल के तौर पर चल रहा है। जिला अस्पताल में हमारा शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन का काम शुरू भी हो चुका है और वैक्सीन के जो दिशा निर्देश हैं वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं और वैक्सीन लगने के बाद जो है आधा घंटे हम उन लोगों